कुमार पांडे, मान फार्म का मैनेजर। विलेज जैंटपुर में हमारा फार्म है और हम पिछले 25 साल से केले की खेती कर रहे हैं और लगभग 70-80 एकड़ में केले की खेती करते हैं। हम खेती कर रहे हैं लगभग 98 से खेती कर रहे हैं, लेकिन केले की खेती 2005 से स्टार्ट की। उसके पहले हम लोग गन्ने की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे और धान की भी खेती करते थे। बीच बीच में लाही भी कई बार लगाए हुए हम लोग हैं। हम लोग के पास लगभग 12 एकड़ ज़मीन है, बाकी हम लोग ठेके पे यानी लीज पे लेके और हम लोग खेती करते हैं और अच्छी फसल हो जाती है। 11 के प्रतिनिधि हमारे पास आए थे लगभग 6 महीना पहले, तो उन्होंने 11 के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिए थे और हम लोग के साथ एक मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी। अच्छे अच्छे अधिकारी लोग आए थे, वहाँ से हमें उन अधिकारियों के द्वारा 11 का हमें क्रॉप प्लान मिला, जिसमें गन्ने का भी था, केले का भी था और गेहूं का भी था। तो लगभग हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से अभी फ़िलहाल खेती उसी के हिसाब से कर रहे हैं। हम क्रॉप प्लान के हिसाब से 11 मिला कॉम्प्लेक्स, 11 लिवा नाइट्रोबोर और 11 बीटा जिनटेक 700 और 11 बीटा सेनीफॉस। सेनीफॉस का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगा, उसका हमने इस्तेमाल किया था केले में स्प्रे में। केले की मोटाई बहुत गजब हुई। जब से हमने 11 का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, हमारे क्रॉप की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी हो गई है। जैसे कि जो हम लोग गन्ने में स्प्रे किए थे, तो गन्ने में स्प्रे किए तो गन्ने की मोटाई अच्छी हो गई है हर साल के मुकाबले। इस बार हम लोग सेनीफॉस का इस्तेमाल किए थे गेहूँ में यील्ड लगभग हम लोग की दूसरों से 2-3 कुंटल एक्स्ट्रा आई है और लगभग हमारा 22 के आसपास आया है गेहूँ का यील्ड। और केले की जो मोटाई है हर साल से बहुत अच्छी है, लगभग हो गया होगा 24 इंची की मोटाई अभी हो गई है। अभी हमारा 10.5 महीने की फसल होगी है और मुझे लग रहा है कि फ्लोरिंग भी लगभग ये 10-15 दिन में फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि फ्लोरिंग भी लगभग 1 महीना एडवांस कर दिया है इसके इस्तेमाल करने से। इसके इस्तेमाल से हमने ये देखा है कि केले की जो तने का विकास है वो बहुत अच्छा हुआ है। और अमूमन हम लोग देखते हैं कि इस महीने आके हवा चलने की वजह से पेड़ झुक जाते हैं या पेड़ गिरने की समस्या आती है, फिलहाल अब तक तो इसमें कोई समस्या नज़र नहीं आई है। अभी का स्टेज देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि 20-30% हमारे केले की यील्ड ज़्यादा आएगी। हमारी फसल लगभग 10 महीने की हो गई है और लगभग 10-15 दिन में फ्लोरिंग स्टार्ट होने की कगार पे है। कुछ में फूल दिखने भी लगे, एक आधे पौधे में फूल दिखने भी लगे। पिछले 2-3 सालों पहले के अगर हम क्रॉप के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इस स्टेज पे कभी हमारा फ्लोरिंग निकला नहीं है। इस साल जो पहली बार ये घटना देख रहे हैं कि हमारी फ्लोरिंग एडवांस में हो रही है लगभग 1 महीना पहले। हम लोग पिछले कई सालों से और भी कंपनियों के हम लोग खादें और दवाइयाँ इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अभी महंगाई के हिसाब से अगर आप जाएं देखें तो अगर आप दूसरी कंपनियों का खाद या डालते हैं या DAP या कुछ और जो डालते हैं और 11 कंपनी का अगर आप दूसरी अगर लैंग्वेज में ले तो दूसरी कंपनी के DAP अगर आप 2 बोरी डालते हैं और इनका अगर आप वही चीज़ अगर 1 बैग डालते हैं लगभग रिजल्ट सेम ही होता है। और रिजल्ट सेम नहीं होता, रिजल्ट दूसरे से मच बेटर होता है, वो हमारे फसल में साल दिखाई दे रहा है। अगर हम बाकी खादों के हिसाब से कंपेरिजन करेंगे तो 11 महंगी होने के बाद भी सस्ती पड़ जाती है और जो दूसरी खादें हैं वो सस्ती होने के बावजूद भी बहुत महंगी हो जाती है क्योंकि उसमें डुप्लीकेट ही बहुत ज़्यादा है। हम 11 कंपनी को बहुत बहुत थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया हुआ है और इनके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और हम क्या कहें, हम पिछले कई सालों से जो हम नहीं हो पा रहा था हमसे, 11 का देन है कि हमारी फसल बहुत अच्छी है और हम सबसे यही कहेंगे कि एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। धन्यवाद यार।